नमस्कार, स्वागत आपका मोहन संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी सहजानंद जी। इनसे हम जानेंगे कि अब हिलसा नगर परिषद जो चुनाव पहले होता था वार्ड पार्षद का होता था और उसी में से मुख्य पार्षद बनते थे, लेकिन अब जो चुनाव हिलसा में जो होने की सूचना मिली है वो है मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव होगा। इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि इस बार चुनाव हो रहा है मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, जो कि जनता खुद उसको वोटिंग करेगी, पहले पार्षद को करती थी, अब मुख्य पार्षद को भी करेंगे। सबसे पहले मैं पब्लिक ऐप के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे संतोष भाई जो हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बात रही यहाँ पे जो है डायरेक्टली चुनाव जो है जनता के द्वारा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि करप्शन मुक्त जो है चुनाव होने जा रहा है। और जो चूँकि जो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता था अति वार्डों के द्वारा चुना जाता था तो करप्शन में लिप्त रहते थे लोग और वार्डों का विकास नहीं होता था, वार्डों का विनाश होता था। जो आज तक जो हमारे केंद्र सरकार की योजना है, चाहे बिहार सरकार की योजना है, सात निश्चय योजना, आज तक गाँव से ले कर शहर तक विफल है, पूरा सफलता पूर्वक नहीं है। कहीं पानी लीकेज हो रहा है, कहीं नाली नहीं बना है, कहीं कीचकाच है, हर जगह बर्बाद ही बर्बाद है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन पे ही लोग वोट देने का काम करते थे। चर्चा में आ रहे कि आप भी मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ने का सहगर्मी में है, हिलसा में काफ़ी सहगर्मी है, जनताओं का जो है डिमांड है, जनताओं के सहयोग है कि आप भी जो है मुख्य पार्षद का चुनाव लड़िए। मैं जो हूँ चंदा से मैं आपको चुनाव लड़ाऊँगा, मैं कई गाँव में मैं घूमा हूँ तो मेरे गांव के लोग जो बोलने का काम किए हैं कि मैं आपको जो है चंदा पे वोट दूंगा, चंदा भी दूंगा और वोट भी दूंगा, दोनों बात मेरा चल रहा है। और चूंकि तो हम बताए कि तो कहना मुश्किल है, आज की जनता तो है दारू और पोच पे जो अति दारू और मुर्गा पे तो बिक जाते हैं, तो बोला कि सर हम लोग ऐसे में से नहीं हैं, मैं आपको वोट भी दूंगा, मैं आपको नोट भी दूंगा, हम लोग जो है बाबा साहब के अनुयायी हैं। यानी आपके अनुसार एक वोट एक नोट आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, मेरे साथ मिल रहा है, जनताओं के साथ मैंने संपर्क किया है तो मुझे एक नोट एक वोट मिल रहा है। जो एक नोट जो मिलेगा तो जो पता चल जाएगा कि मुझे जो है कितने जो जनता लोगों के द्वारा मुझे वोट मिला है, मैं स्पष्ट बता दूंगा। फिर मुझे पूछिएगा कि आपको कितना वोट आया। जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार चुनाव में अगर आते हैं या जीतते हैं तो कौन सा वैसा काम होगा जो आप जनता के लिए करेंगे? सबसे पहले नंबर जो है हम जो है जनताओं के हित में सोचेंगे। और जो पहले सबसे पहला मेरा जो है मैं यहाँ के जो पहला जो शहरी का विकास के लिए मैं जो हूँ पहला मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा हर सभी को जो है घरेलू जो है कुटीर उद्योग करने की संभावना जो व्यवस्था होता है नगर परिषद के मार्फत मैं वो करूँगा कि हर घर में कुटीर उद्योग की व्यवस्था कराऊँगा। क्योंकि जिस तरीका से बेरोजगारियाँ इतना तेज़ी गति से बढ़ रही है कि घरेलू कुटीर उद्योग होगा तो उसमें सभी को काम मिल जाएगा, ये सबसे पहले मेरा प्राथमिकता रहेगा। इसके अलावा और भी क्या होगा? इसके अलावा जैसे कि अभी शहर में जो आप देख रहे हैं कि हिलसा एक नगर परिषद है, हिलसा नगर परिषद में किसी को जो है मॉर्निंग वॉकिंग का पार्क की सुविधा नहीं है, कोई गार्डन भी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो रोड इतना जाम होता है कि कभी कभी देखते हैं कि बस स्टैंड भी नहीं है और पुलिस आती है यात्रियों पर लाठीचार्ज कर देती है, क्या बोलता पब्लिक को डिस्टर्ब हो जाता है, इतना जाम रहता है यहाँ पर ही नगर परिषद में। कहीं पर न बस स्टैंड, न टेम्पो स्टैंड, न रिक्शा स्टैंड और न ही आपका जो है सब्जी मंडी की व्यवस्था है। तो पहला मेरा दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि मैं सारे ध्यान दूंगा। वैसे हिलसा में मुख्य पार्षद का चुनाव को लेकर काफ़ी सहगर्मी है, लोग अपने अपने चुनाव का दावा कर रहे हैं, वैसे में आप क्या कहेंगे कि क्या है इस? और बहुत सारे लोग हैं, बाबा साहब ने दिया है कि सभी लोग स्वतंत्रता के अधिकार है, वह भी सभी लोगों ने चुनाव लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अच्छे खुशी की बात है, सब अपना अपना किस्मत को अजमाएंगे। जनता का सोच है कि मैं कैसे लोगों को वोट दूं, जो उनके बात रह गई कि जो लोग जो हम तो जनता से गुजारिश करेंगे कि आपका बाबा साहब ने जो वोट देने का अधिकार दिया है जो बहुत अहमूल है, आप अपने जो है अपने मन मुताबिक लोगों को वोट दिया करने का काम करें कि जो कि आपके अनुसार ही कोई काम करे, न कि जो है आप उनके अधीन में अपने मन की बात जो है मन की दिल की भावना जो है बेचकर जो है वोट देने का काम करें। मैं जनताओं से गुजारिश करूंगा।